15 जून के पहले हम लोग का प्रयास है कि इसको हम लोग आम जनता के लिए खोल दें। और आज हम कह सकते हैं कि पहला स्टील स्ट्रक्चर का इतना बड़ा मेगा ब्रिज है जो कि पुराने ब्रिज के फाउंडेशन पे खड़ा है और आने वाले 50 वर्षों तक इसको कुछ नहीं होगा। जो सेकेंड फेज हम लोग कंप्लीट करेंगे उधर कच्ची दरगाह की तरफ, उसके बाद पूरे पटना को आप बाएं और दाएं से तुरंत में आप उत्तर बिहार जा सकते हैं। के डेट में 8 लेन ब्रिज हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु, जो कि अपने आप में पूरे जाम की स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ब्रिज अब वो कंप्लीट हो जाएगा। 24 के पहले हमारा कच्ची दरगाह बिदुपुर कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार सरकार इस महीने कई सारे तोहफे देने जा रही है राजधानी पटना वासियों को। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। गंगा पाथवे पटना का मरीन ड्राइव बनकर के तैयार हो चुका है और गाड़ियाँ अब इस पर फर्राटे भरेंगी। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से हमने खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखा दें, कितने शानदार तरीके से पटना शहर के एक किनारे गंगा नदी के तट पर इस गंगा पाथवे को बनाया गया है, जहां से आपकी गाड़ियां फराटे भरते हुए सीधा PMCS तक जा सकेंगी। वहीं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कनेक्टिविटी में काफ़ी अब सुगमता आएगी। अटल पथ जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके भी फेज 2 का कार्य पूरा हो चुका है और इस सड़क को सीधा ले जाकर गंगा पाथवे से मिला दिया गया है। तो ऐसे में आर ब्लॉक से अब आप सीधा गंगा पाथवे तक जा सकते हैं दीघा होते हुए, तो लोगों को काफ़ी सुगमता होगी। पटना शहर पर गाड़ियों का दबाव भी थोड़ा कम पड़ेगा, जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी और इलाज कराना हो या फिर कोई अन्य काम हो PMCH में, आप सीधा वहां जा सकते हैं। गाड़ियां आपके फराटे भरते हुए वहां तक पहुंच सकेंगी। तो राजधानी पटना वासियों को कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। गांधी सेतु का काम भी पूरा हो चुका है, सिर्फ अब फीता कटने की देरी है। नितिन नवीन जो कि बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं, उनसे हमने बातचीत की है, क्या कुछ वो कह रहे थे ज़रा सुनिए। हमारे साथ बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन मौजूद हैं। नितिन नवीन जी, जिस तरीके से तोहफे पर तोहफे देने की तैयारी चल रही है, गंगा पाथवे भी बनकर तैयार है, वहीं गांधी सेतु का एक छोर जो बनना था वो भी तैयार है, कितनी जल्दी काम पूरा हो जाएगा? देखिए, पटना के लोगों ने पिछले कई वर्षों से हम लोग को आशीर्वाद दिया है, तो अगर हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो एक ऋण चुकाने के जैसा है। और मेरा मानना है कि जो JP गंगा पथ था वो पिछले कई दिनों से हम लोगों ने उसको गति दी और 2013 में इसकी कल्पना की गई, 18 में शुरू हुआ, लेकिन बीच के कालखंड में काम थोड़ा रुक गया था कोरोना के कारण भी था, और कुछ उसमें हम लोग का उसका अलग से उसके लिए हम लोगों ने राशि के लिए और उपबंध करना था। तो पिछले वर्ष हम लोगों ने 2000 करोड़ रुपए की हुडको से लोन लिया और उसके बाद गति उसमें आई और आज के तिथि है कि जो फर्स्ट फेज है उसका, जो हम लोग उसको जोड़ रहे हैं आपको ANC9 इंस्टीट्यूट से और दूसरा PMCH, ये दोनों कनेक्टिविटी इस महीने हम लोग उसको जोड़ लेंगे। मतलब उम्मीद है कि जून महीने में शुरू हो जाएगा। कंप्लीट हो गया है और काम को केवल हम लोग अब उसको कई सारी तस्वीरें हमने वहां जाकर ले ली हैं, अंतिम चरण में काम है, लगता है कि इस महीने में अंतिम लेने 15 जून के पहले हम लोग का प्रयास है कि इसको हम लोग आम जनता के लिए खोल दें। 15 जून से पहले खोल, जैसे ही तय हो जाता है मुख्यमंत्री जी का समय और बाकी चीज़ें तय होती है, 15 जून के पहले हम लोग इसको खोल देंगे। गांधी सेतु का भी काम पूरा है? गांधी सेतु तो 7 जून को माननीय नितिन गडकरी जी बिहार आ रहे हैं और जो बहुत ही ऐतिहासिक ब्रिज रहा, जिसको बाद के कालखंडों में जीर्णशीर्ण हो गया था, 90 के दशक में बना, लेकिन उसको 80 के दशक में बना, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उसको लोकार्पण किया था। तो समझ सकते हैं कि कितना पुराना ब्रिज था, जिसको बाद में एक उजले हाथी के रूप में लोगों ने प्रयोग किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से उस पर ध्यान दिया तो उसकी पूरी परिकल्पना को परिवर्तित कर दिया, पूरी तस्वीर बदल गई। और आज हम कह सकते हैं कि पहला स्टील स्ट्रक्चर का इतना बड़ा मेगा ब्रिज है जो कि पुराने ब्रिज के फाउंडेशन पे खड़ा है और आने वाले 50 वर्षों तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। तस्वीर जब निकल के आती है गंगा पाथवे को, जिस तरीके से आपने अटल पथ फेज 2 से जोड़ा है, वो गोलंबर बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, वो तस्वीर हमारे पास है, हम स्क्रीन पर इस पर दिखा भी रहे होंगे। कैसे देखते हैं, सीधा आप आर ब्लॉक से चलेंगे, आपको हाजीपुर जाना है तो जा सकते हैं, आपको PMCH जाना है तो जा सकते हैं, मतलब जाम से निजात। JP गंगा पथ का जो सेकेंड फेज हम लोग कंप्लीट करेंगे उधर कच्ची दरगाह की तरफ, उसके बाद पूरे पटना को आप बाएं और दाएं से तुरंत में आप उत्तर बिहार जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और साथ में हम लोग का जो अभी जो 4 लेन ब्रिज बन रहा है महात्मा गांधी, उसके बगल में एक 4 लेन ब्रिज और बन रहा है, समांतर, तो करके डेट में 8 लेन ब्रिज हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु, जो कि अपने आप में पूरे जाम की स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जो शहरों का विस्तारीकरण है,
जो पटना को हम लोग मानते थे कि गंगा नदी के उस पार पटना का विस्तार नहीं हो पाएगा या मेट्रो पटना की कल्पना जो हम लोग करते थे, ये जो ब्रिज सब बन रहे हैं, जो लगातार गंगा नदी पर दिगवारा शेरपुर बनने जा रहा है, जेपी गंगा पथ के बाद नया अलाइनमेंट का एक और ब्रिज 6 लेन ब्रिज हम लोगों ने सैंक्शन कराया है माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब स्थिति है कि पटना का पूरा विस्तार जो उत्तर दिशा में था वो अब व्यापक रूप से होगा। कच्ची दगा बिदुपुर कंप्लीट के स्टेज पे है, 23 में हम उसको भी जनता को दे देंगे। तो आप देखिए कि जो पटना को हम लोग पूरा विस्तारीकरण मान सकते हैं कि उत्तर दिशा में अब मेट्रो पटना दिखेगा। लगता है कि जो जाम से निजात मिली थी वो मिल जाएगी, मतलब उम्मीद हम रखें कि जब आप 24 और 25 में वोट मांगने जाएंगे उससे पहले ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, कई काम 24 के पहले तो आपको हमारा जेपी महात्मा गांधी सेतु का जो सेकंड ब्रिज है वो कंप्लीट हो जाएगा, 24 के पहले हमारा कच्ची दगा बिदुपुर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हम बेसिक मेरा जो कहना है कि जो पटना शहर का विस्तारीकरण होना चाहिए था, मेट्रो पटना की कल्पना होनी चाहिए। अब लोग जब वहाँ पर आवागमन सुविधा होगा तो लोग वहाँ जाकर अपना रहेंगे, काम करेंगे पटना राजधानी में आकर, और रहेंगे हाजीपुर में भी रह सकते हैं, एक अच्छा उनको टाउन प्लानरशिप मिल सकता है। तो बहुत नए स्कोप सृजित होने वाले हैं। देखिए नए स्कोप जो है वो सृजित होने वाले हैं, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन अरविंद थे जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मीठापुर आरओबी भी जून महीने में ही जनता को मिल जाएगा। देखिए कई सारी सौगात जो है वो मिलनी है, और ऐसे में 15 जून से पहले गंगा पाथवे का काम भी पूरा कर लिया जाएगा, कोशिशें पूरी की जा रही हैं और उम्मीद है जल्द ये काम पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल तमाम जितनी अच्छी तस्वीरें निकल के आ रही हैं, पटना को जाम से मुक्ति मिलेगी, अटल पथ फेज 2 का काम भी पूरा हो चुका है, तो तमाम परियोजनाएं जो है वो बनकर तैयार हैं, बस अब फीता कटने की तैयारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।